हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए क्वेरीज और उनके प्रश्न का। एक कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं 33 इयर्स की हो गई हूँ, अब हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए या नहीं। साथ साथ उन्होंने अपने कैटेगरी भी बताई है, सी बिलोंग फ्रॉम एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट। देखिए अगर एज लिमिटेशन की बात करूं तो हर एक एग्जामिनेशन, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक एज लिमिटेशंस होते हैं कि इतने से कम एज के कैटेगरी वाले विद्यार्थी इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं और इतने से अधिक। तो ठीक उसी प्रकार यूपीएससी में भी जो है, सिविल सेवा परीक्षा में भी इसकी कुछ एज की क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एज लिमिटेशन की अगर बात करूं, सपोज डैट कोई जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है, उसका एज लिमिटेशन 21 ईयर टू 32 ईयर तक है। मतलब एक सामान्य विद्यार्थी अगर है, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 21 से लेकर जो है वो 32 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके 6 अटेम्प्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई कैंडिडेट, कोई एस्पिरेंट्स ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो दे गॉट 3 मोर चांस और 3 साल के उन्हें एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो 32 प्लस 3 इयर्स 35 मिनिमम एज लिमिटेशन मैं बता देना चाहता हूं कि सबका बराबर ही रहेगा, 21 इयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ग्रीक कम्युनिटी। ठीक है, तो 21 टू 32 जनरल कैटेगरी, 21 टू 35 ओबीसी। अब क्योंकि इनका कैटेगरी एससी था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो इन्हें 5 साल का एक्स्ट्रा मौका मिलता है। तो 32 प्लस 5 37, 37 साल तक अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। तो अगर आप 33 इयर्स की भी हैं या फिर कोई भी ऐसे एस्पिरेंट्स जो एससी एसटी, इनफैक्ट जो ओबीसी भी है, अगर वह 31 30 या 32 साल के या 33 साल की भी उम्र में है, उसके पास अभी ऑप्शन है, वह इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, फॉर्म उसका भर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र सीमा थोड़ी अधिक है। एससी, फिर मैं बता देता हूँ, एससी एसटी के लिए 37 साल तक है, ओबीसी के लिए जो है 35 साल और जनरल के लिए 32 साल। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने एज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इसका मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि हमारी एज अभी क्या है, ठीक है, और हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप यूपीएससी की जो एज लिमिटेशन की क्राइटेरिया है, उसके साथ आप उसको, उसका एनालाइज करें, उसका कंपेरिजन करें, देन आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। और हो सकता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ इसमें, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड इफ देयर वेर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।